सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं योनेक्स की तरफ से आने वाली योनेक्स कार्बोनेक्स 21 स्पेशल बैडमिंटन रैकेट, जो योनेक्स कंपनी की तरफ से आने वाले एक मिड रेंज बैडमिंटन रैकेट है। तो जानेंगे इस रैकेट के स्पेसिफिकेशंस एंड मैं बताऊंगा मेरा ओपिनियन इस रैकेट के ऊपर। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस रैकेट के स्पेसिफिकेशंस। तो अगर हम ग्रिप साइज की बात करें तो 3.25 इंचेस की ग्रिप साइज मिलती है, जिसे कंपनी लैंग्वेज में G4 की ग्रिप साइज कहा जाता है। अगर हम वेट की बात करें तो कंपनी हमें बताती है कि इस रैकेट का वेट 90 से लेकर 95 ग्राम्स तक आपको मिलता है। पर मैंने जब इस रैकेट का वेट किया तो इस रैकेट का वेट 100 ग्राम आया था, मतलब 101 ग्राम टू 102 ग्राम्स के बीच में इस रैकेट का वेट आया था। तो जब आप इस रैकेट पे ग्रिप लगाएंगे एंड आपके स्ट्रिंग्स लगाएंगे तो इस रैकेट का वेट थोड़ा बढ़ जाता है, मतलब ये एक रैकेट हीवी कैटेगरी में आपको देखने के लिए मिल जाती है। अगर हम कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो ब्लैक एंड व्हाइट कलर में आपको ये रैकेट देखने के लिए मिल जाती है। पूरे रैकेट ज़्यादा ब्लैक कलर का इस रैकेट में प्रयोग किया गया है एंड कहीं कहीं व्हाइट कलर का यूज़ इस रैकेट में किया गया है। अगर हम हेडशेप की बात करें तो ओवल हेडशेप के साथ आपको ये रैकेट देखने के लिए मिल जाती है, जो एक कार्बोनिक सीरीज में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला एक बैडमिंटन रैकेट का हेडशेप है। अगर हम स्ट्रिंग टेंशन की बात करें तो आप अगर इस रैकेट में 26 से लेकर 30 LBS तक स्ट्रिंग टेंशन लगवा लेते हैं तो आपके लिए ये रैकेट बहुत ही बढ़िया हो सकती है। आपके जो स्ट्रोक्स होंगे वो बहुत ही परफेक्ट एंड नीट तरीके से जाएंगे। सो कंपनी भी रिकमेंड करती है एंड जो प्लेयर्स होते हैं वो भी रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी रैकेट पे 26 से लेकर या 30 to 32 LBS तक स्ट्रिंग टेंशन लगवाएं। अगर हम रैकेट की मटेरियल की बात करें तो ये रैकेट पूरी की पूरी बनाई जाती है ग्रेफाइट मटेरियल से, जो बहुत ही एक लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल होता है, जो जल्दी से नहीं टूटता। तो रैकेट मेड इन जापान आपको देखने के लिए मिल जाती है, जापानीज टेक्नोलॉजी से ये रैकेट बनाई गई है। तो अभी बात करते हैं मेरे ओपिनियन के बारे में। तो मैं इस रैकेट से एक दिन खेला हूँ तो मुझे ये रैकेट बहुत ही पसंद आई। अगर आप सिंगल्स के लिए, स्पेशली सिंगल्स के लिए रैकेट ढूंढ रहे हैं अंडर 2000 या अंडर 2500 रुपीज़, तो आपके लिए ये रैकेट बेस्ट हो सकती है, क्योंकि इसका वेट जो है वो थोड़ा सा हेवी आता है। 100 ग्राम्स के आसपास इस रैकेट का वेट आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो अटैकिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर आप डबल्स के लिए रैकेट ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए ये रैकेट नहीं है, क्योंकि डबल्स में ज़्यादातर आपको अटैकिंग डिफेंसेस दोनों स्टाइल में खेलना पड़ता है। पर अगर आप इस रैकेट से कंटिन्यू डिफेंस करेंगे तो आपके स्विंग में थोड़ी सी ये डिफ़िकल्टी ला सकती है, क्योंकि इसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, जो स्विंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। आपकी रैकेट ज़्यादा से फास्ट स्विंग नहीं होगी, इसलिए आपको डबल सी ले एक लाइट वेट रैकेट चाहिए होती है एंड ये रैकेट थोड़ी सी हेवी है, इसलिए ये रैकेट स्पेशली सिंगल्स के लिए बहुत ही अच्छी है। तो इससे जो अटैक्स होते हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से जाते हैं। तो हमने इस रैकेट पे 28 LBS तक का टेंशन लगवाया है, जो बहुत ही बढ़िया है। तो इसके जो इससे आपको बहुत ही अच्छा परफेक्शन मिलेगा। अगर आप भी 28 से लेकर 30 LBS तक का टेंशन लगवाएंगे तो आपको इस रैकेट पे बहुत ही अच्छा परफेक्शन मिलता है। आप जहाँ शटल मारते हैं परफेक्शन के साथ वही शटल जाता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है इस रैकेट की। तो रैकेट में आपको स्टिफ फ्लेक्स मिलता है, जो आपके अटैकिंग में आपको बहुत ही हेल्प करता है। अगर आप अटैकिंग खेलना बहुत पसंद करते हैं या आप सिंगल्स खेलना बहुत ही पसंद करते हैं तो आपके लिए ये रैकेट बहुत ही बढ़िया हो सकती है। एंड इस रैकेट के लुक्स भी बहुत ही बढ़िया है, पूरी की पूरी रैकेट ब्लैक कलर में बहुत ही बढ़िया दिखती है एंड कहीं कहीं इसमें वाइट कलर का, मतलब क्रीम कलर का टच दिया गया है, वो टच भी बहुत ही अच्छा दिखता है। तो दिखने में ये रैकेट बहुत ही बढ़िया है। तो अगर आप सिंगल्स के लिए एंड अटैकिंग प्लेइंग के लिए अगर आप रैकेट ढूंढ रहे हैं
तो आपके लिए ये बेस्ट रैकेट हो सकती है। तो इस रैकेट का बाइंग लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियोस लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।